नमस्कार मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं भाजपा ने अपने ही एक विधायक को नोटिस थमा दिया है जी हाँ ये नोटिस उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत लगाया गया है और भेजा गया है उनसे ये जवाब मांगा गया है कि आखिर उन्होंने पार्टी विरोधी बातें क्यों कही बिहार में भाजपा को नेतृत्वहीन क्यों बताया अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं आपको बता दें कि बाढ़ से विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू लगातार चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों को लेकर वो लगातार जो है पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं ऐसे में चार दिनों के भीतर उन पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और उनको नोटिस भेज दिया गया है जी हाँ गुरुवार देर शाम यानी कि बीते गुरुवार को ही ये नोटिस भेजी गई है और उनसे पंद्रह दिसंबर तक इस पर जवाब आ, मांगा गया है कि आखिर उन्होंने बिहार में भाजपा को नेतृत्वहीन क्यों बताया है और क्यों पार्टी विरोधी बात वो लगातार कर रहे हैं चलिए पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने ही विधायक को नोटिस थमा दिया है साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है गुरुवार को ये नोटिस भाजपा ने बार से अपने विधायक सिंह ज्ञानू को भेजा है विधायक पर आरोप है की पांच दिसंबर को उन्होंने एक बयान दिया था आरोप है की उस बयान में विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी पार्टी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष विनय सिंह ने इस मामले में विधायक को नोटिस भेजा है विनय सिंह ने कहा है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू आपको बयान देना होगा आपको ये जवाब देना होगा कि आपने क्यों अनुशासन का ख्याल नहीं रखा पार्टी विरोधी बातें कहीं ऊपर से प्रदेश के सबसे बड़े नेता संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद पर आपने सवाल खड़े किए हैं और अब इन सवालों को खड़े करने के बाद आपको इसका जवाब देना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया आगे उन्होंने कहा है कि आपने मर्यादा और अनुशासन अनुशासन के खिलाफ काम किया है इसलिए विधायक से चौदह दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ क्यों बयान दिया साथ ही ये भी पूछा गया है कि आपके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए दरअसल ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के ऊपर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप पहले भी लगता रहा है मगर इस बार उनका अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देना भारी पड़ता दिख रहा है अपने बयान के जरिए विधायक ने बिहार में भाजपा को नेतृत्वहीन बता दिया था उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी विधानमंडल के नेता व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए थे जो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को रास नहीं आया इसलिए चार दिनों के अंदर बयान देने वाले विधायक के ऊपर प्रदेश भाजपा की तरफ से आज नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब अब किया जाएगा आपको बता दें बीते दिनों भाजपा ने एक मीटिंग भी की थी जिसमें देश के बड़े नेता जे पी नड्डा शामिल हुए थे और इस पर यह मोहर लगी थी कि जातीय जनगणना पर आगे बात होगी हालांकि इसको लेकर अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि किस तरह की मीटिंग में बात हुई है और क्या कुछ सामने निकल कर आया है हाँ एक अहम बात यह भी थी कि पार्टी में इस विषय पर भी बात होनी थी इस मीटिंग में कि क्यों बिहार में लगातार विधायक जो है अपने ही पार्टी के नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं आपको बता दें कि बीती दिनों कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए जहां पर बीजेपी के विधायक अपने ही विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नजर आए ऐसे में ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू ने तो बड़ा ही सवाल अपने ही पार्टी के बड़े नेता पर खड़ा कर दिया था और इसको लेकर अब कार्रवाई की जा रही है आपको बता दें कि जदयू से काफी करीबी है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की क्योंकि ये जदयू में पहले से शामिल थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इनकी नजदीकियां काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं ऐसे में अब देखना ये है कि क्या नोटिस जारी करने के बाद विधायक जो है अपना जवाब किस तरह देते हैं किस तरह के बयान वो आगे देते हैं हालांकि लगातार चर्चाओं में रहते हैं ज्ञानेन्द्र सिंह यानू अपने हर बयान को लेकर कभी उल्टे सीधे बयान दे देते हैं अपने ही पार्टी के खिलाफ कभी देश के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिनसे उनकी चर्चाएं बनी रहती ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नजदीकियों के कारण भी उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं आपको क्या लगता है आप भी अपने जवाब हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ धन्यवाद